सुरक्षा का दमखम करने वाली पुलिस ही जब अपनी मर्यादा को भूल जाएगी तो फिर भला इस देश का क्या होगा। ऐसा ही कुछ हुआ एक विकलांग युवती के साथ, जिसमें तीन पुलिसकर्मी खुलेआम मोबाइल के जरिए अश्लील बात कर रहे हैं, जिसे लेकर परेशान पीड़िता ने पुलिस के आला अधिकारियों से इंसाफ की गुहार लगाई है। हाथों में कागज का टुकड़ा लिए ये विकलांग रेशु जैन, जिसका आरोप है कि बिजनौर के धामपुर थाने में तैनात तीन पुलिसकर्मी सोनू कुमार, अब्बास व राहुल पीड़िता को फोन करके उसके साथ अश्लील बातें कर रहे हैं। इसी के मद्देनजर राष्ट्रीय विकलांग पार्टी के बैनर तले कई विकलांग पीड़िता की मदद के लिए आगे आकर लिखित में तीनों आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ पीड़िता ने एसपी को तहरीर दी है। अब पीड़िता आरोपी पुलिसकर्मियों के साथ कानूनी कार्रवाई की मांग कर रही है। जी क्या नाम है? जी रेशी जैन, राष्ट्रीय विकलांग पार्टी महिला मोर्चा से। जी अध्यक्ष सर, एक नया नंबर आया था, मैंने काफ़ी पूछने के बाद तो उन्होंने बताया, मैं सोनू और अब्बास राहुल बोल रहा हूँ सर, बहुत बदतमीजी से बात की थी तीनों पुलिस वाले, मैं चाहती हूँ मुझे इंसाफ मिले, जल्द से जल्द मुझे कार्रवाई हो, वरना मैं सबसे संपूर्ण कार्रवाई करने की कोशिश करूँगा। सर बहुत बदतमीजी जैसी बात की सर, मैं इस बात को नहीं खोल पाऊँगी, क्योंकि एक लड़की अपनी इज्जत मर्यादा में रहे उसके लिए वही बेहतर रहे। तो आज आप कहाँ आए थे? सर एसपी साहब से मिलने आए थे, डीएम साहब से मिलने आए थे। सर एसपी साहब से तो मुलाकात हो गई, इन्होंने कहा मैं कार्रवाई का आदेश दे दूँगा, सर कार्रवाई हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। क्या चाहती, क्या होना चाहिए? सर सबसे सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ, यही मैं चाहूँगी, मुझे इंसाफ मिले।